नमस्कार दोस्तों, रियल हेडलाइन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपका अपना अमित लक्की धवन लेकर आया हूं श्री करणपुर तहसील में हो रहे घपलों के ऊपर एक बड़ी अपडेट। एक ही रजिस्ट्री में तहसीलदार गोकुलदान ने लगाया राज्य सरकार को लगभग 40 लाख का चूना। सूत्रों के अनुसार रजिस्ट्री में डीएलसी रेट का 1% राशि लेता है तहसीलदार। रजिस्ट्री के समय व्यावसायिक भूमि को दिखा दिया गया श्री करणपुर तहसीलदार द्वारा उसे बंजर भूमि और 40 से 45 लाख डीएलसी रेट की भूमि की रजिस्ट्री कर दी गई 3,87,000 रुपए में। यह भूमि श्रीमती ईश्वरी देवी पत्नी लेखराज रस्सेवट हाल निवासी होमलैंड फर्स्ट के नाम पर थी और ईश्वरी देवी द्वारा इस भूमि का पहचान श्री करणपुर निवासी मयंक पावा पुत्र ओम प्रकाश पावा को कर दिया गया था और रजिस्ट्री के समय इस भूमि को बिल्कुल बंजर दिखा दिया गया था, लेकिन यह भूमि बस स्टैंड के साथ लगती हुई मार्केट में बनी हुई दुकानों की व्यावसायिक भूमि है। जैसा कि आप नीचे हमारी रिपोर्टिंग वीडियो में भी देख रहे हैं कि यह भूमि बिल्कुल व्यावसायिक भूमि है और इस भूमि में 120x21 स्क्वायर फुट का एक गोदाम, जिसकी जो छत है वो डाट की है, और 20x50 की एक दुकान जिसकी छत आरसीसी की है, और 10x20 की एक दुकान आरसीसी छत, और 10x10 की एक दुकान आरसीसी छत की है। कुल एक बीघा जमीन में यह सब दुकानें और गोदाम फैली हुई है और बाकी जमीन जो है वो खाली है। रजिस्ट्री के कागज बनाते समय कागज बनाने वाले अर्जुन विश्व को सिर्फ अपनी फीस से मतलब होता है और उसको जो बताया जाता है, जैसे बताया जाता है, उसके द्वारा टाइप कर दिया जाता है। उस अर्जुन विश्व को यह नहीं पता कि जो वह टाइप कर रहा है उस घपले की शुरुआत उसी के द्वारा की जाती है। अर्जुन विश्व द्वारा एक बार भी जमीन का मुआयना नहीं किया जाता और कागज बनाते समय अर्जुन विश्व को सिर्फ अपनी फीस से मतलब होता है, उसको फीस दे दी जाती है और जल्दबाजी में उसके द्वारा सारे फर्जी कागज तैयार करके दे दिए जाते हैं और वही फर्जी कागज तहसीलदार के आगे पेश कर दिए जाते हैं और तहसीलदार द्वारा भी उन कागजों की अच्छे से पुष्टि नहीं की जाती। सिर्फ पहचानकर्ता द्वारा पूछा जाता है कि आप यह रजिस्ट्री अपनी इच्छा से बेच रहे हैं और रजिस्ट्री पर साइन कर दिए जाते हैं, जबकि तहसीलदार का फर्ज बनता है कि जो रजिस्ट्री पर साइन उसके द्वारा किए जा रहे हैं उसकी पूर्णतः जांच की जाए, लेकिन तहसीलदार को सिर्फ अपनी फीस से मतलब होता है। राजस्थान सरकार को जो नुकसान पहुंचता है पहुंचता रहे। इस तरह कितनी और रजिस्ट्रियां इस तहसीलदार के द्वारा की गई होंगी। मैं बात कर रहा हूं श्री गंगानगर जिले के एक छोटे से कस्बे श्री करणपुर में, जहां एक रजिस्ट्री में राजस्थान सरकार को 40 लाख का चूना लगा है और वह चूना तहसीलदार गोकुलदान द्वारा लगाया गया है। अगर इस तहसीलदार के खिलाफ सीबीआई जांच बिठाई जाए और इसके द्वारा की गई
और सारी रजिस्ट्रियों की जांच की जाए तो रियल हेडलाइन न्यूज चैनल यह दावा करता है कि करोड़ों का हेर फेर सामने आएगा। कुर्सी पर बैठे अधिकारी अपने फायदे के लिए राजस्थान सरकार को इसी तरह से चूना लगा रहे हैं और राजस्थान सरकार इस घाटे का भार आम जनता पर डाल रही है। अगर इस तरह के घपलों पर पूरा ध्यान दिया जाए और आरोपी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उसको हैंड टू हैंड सस्पेंड कर दिया जाए तो जो भार राजस्थान सरकार द्वारा आम जनता पर डाला जा रहा है वो भार आम जनता के सर से उठ जाएगा। और जो गैस सिलेंडर हमें आज 1132 रुपए का मिल रहा है उसकी कीमत 200 से 300 रुपए हो जाएगी, और जो पेट्रोल और डीजल जो हमें आज 4 रुपए से अधिक के रेट पर मिल रहा है वह 50 रुपए पर लीटर के नीचे तक आ जाएगा। और भी महंगाई दर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, लेकिन सरकार को सिर्फ वोट से मतलब होता है। इसके अलावा भ्रष्ट अधिकारियों की तरफ सरकार की आंखें बिल्कुल बंद हैं। अगर श्री करणपुर कुर्सी पर बैठा तहसीलदार सरकार को करोड़ों का चूना लगा सकता है तो पूरे जिले में कितनी तहसीलें हैं, पूरे राज्य में कितनी तहसीलें हैं और पूरे देश में कितनी तहसीलें हैं? पूरे देश में रोजाना कितनी रजिस्ट्री होती होंगी? लेकिन सरकार को सिर्फ आने वाले चुनावों की चिंता है और इस तरह के भ्रष्टाचार जितने मर्जी होते रहे सरकार को किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। मैं इनकम टैक्स विभाग से विनती करना चाहूंगा कि इस तहसीलदार की आय और संपत्ति की जांच करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तहसीलदार की आय और संपत्ति की जांच की जाएगी तो उसके द्वारा किए गए सारे घपले सामने आ जाएंगे। मैं सिर्फ इस एक तहसीलदार की नहीं, पूरे श्री गंगानगर जिले, पूरे राजस्थान, पूरे भारत देश के सब बड़े अधिकारियों की आय और उनकी संपत्ति की जांच करने के लिए इनकम टैक्स विभाग को विनती करना चाहूंगा, क्योंकि अगर इनकी आय और संपत्ति की जांच होगी तब ये आरोपी आराम से पकड़े जाएंगे और भारत सरकार पर जो कर्ज चढ़ रहा है वह काफी हद तक उतर जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस रजिस्ट्री में जो आपके सामने है इसमें जो गवाह है वह एक खरीदार का सगा भाई है और जो दूसरा गवाह है इस जमीन का सौदा जिसने करवाया है जो प्रॉपर्टी डीलर है गौरव सिंगला, दूसरा गवाह उसको बनाया गया है। श्री करणपुर तहसील में खुलेआम चल रहे हैं घपले, उसका भार पड़ रहा है आम जनता पर। कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा जब तक इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी कुर्सी पर बैठे रहेंगे? तब हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। जल्द मिलता हूं आपसे एक और बड़ी खबर के साथ, आपका अपना अमित लक्की धवन। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप देखते रहिए सच्ची घटनाओं पर आधारित रियल हेडलाइन न्यूज चैनल, और आगामी न्यूज में हमारे साथ देखें एक बड़ी खबर, घटना या स्टोरी। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें जिससे आपको हमारे द्वारा डाली गई न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। आपका अपना अमित लक्की धवन।